नमो बुद्धाय, नमन अशोक, जय भीम साथी। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 14 अप्रैल 2022 बाबा साहब की 1 से 31वीं जयंती पर आपका हार्दिक स्वागत। नमो बुद्धाय। निमंत्रण पत्रिका चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक इनकी जयंती पर 9 अप्रैल 2022 सम्राट अशोक इनके जयंती पर पूरे महाराष्ट्र में, देश में जहाँ जहाँ भी हो, सम्राट अशोक की जयंती दिल में समा गई। खास कर हमारे फादर हाउस में, फादर होम में तुमसर, भंडारा, नागपुर, बुलढाणा और हमारे जहाँ भी शाखाएँ हो, हरदोली, वायगांव, सालई, बुजुर्ग सालई खुर्द, आलेसुर, पिटेसुर, गुंडीटोला, नागपुर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लॉ कॉलेज, भंडारा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर BRA, भीमराव रामजी अम्बेडकर लॉ कॉलेज, नागपुर फुलेकर कैंपस में हिंदुताई मेमोरियल फिजिकल कॉलेज बुलढाणा, हिंदुताई मेमोरियल होम साइंस कॉलेज बुलढाणा, हिंदुताई मेमोरियल लाइब्रेरी BJ और BBA कोर्स बुलढाणा, प्राचार्य सच्चिदानंद महाविद्यालय तुमसर, हिंदुताई मेमोरियल BEd कॉलेज हरदोली, KHF आर्ट कॉमर्स साइंस कॉलेज हरदोली, विद्या देवी ITR तुमसर, फादर हाउस, हिंदुताई मेमोरियल कॉन्वेंट, लॉर्ड लेडी पब्लिक स्कूल तुमसर, हिंदुताई मेमोरियल हाई स्कूल तुमसर, हिंदुताई मेमोरियल आर्ट कॉमर्स साइंस एंड वोकेशनल कॉलेज तुमसर, फादर होम टू फादर हाउस, हर जगह विद्या देवी प्राइमरी स्कूल, हिंदुताई प्राइमरी स्कूल डॉक्टर अम्बेडकर नगर तुमसर, मदन दीक्षित स्कूल और हर जगह
हरदोरी, पांड्राबोड़ी, वायगाव, साले बुजुर्ग, साले खुर्द, आलेसूर, पीटेसूर, गुनिटोला और सभी विदर्भ के शाखाओं में, मुंबई रहे, अमेरिका रहे, जहाँ भी हमारे परिवार हो, इंदुताई परिवार ने 9 अप्रैल 2022 सम्राट अशोक के प्रतिमा की पूजन और द ग्रेट अशोका स्टेज का कार्यान्वित उद्घाटन हो गया है। दोस्तों, इस साल पूरे वर्ष भर में सम्राट अशोक इनकी 1000 फोटो के साथ में वितरण का कार्यक्रम नागपुर में आरंभ हो चुका है। नागपुर के 450 विहार में साल भर में जाकर भाषण के साथ में, अशोका की समृद्धि के साथ में, ये कार्यक्रम दिल से मनाया जा रहा है। 11 अप्रैल 2022 को क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले इनके प्रतिमा का पूजन विद्या सचिदानंद हाल में हुआ। हमारे शिक्षकों ने, खास करके फादर हाउस के, इस हाल पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम बनाए और महात्मा फुले का कार्यक्रम, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले का कार्यक्रम, प्रतिमा के साथ में पूजन और उनकी प्रतिमा विद्या देवी आईटीआई कॉलेज के प्रथम ही गेट पर सावित्रीबाई फुले, रमाबाई फुले इन पुत्रों के साथ में की गई। दोस्तों, यह कार्यक्रम सभी संतों की नगरी, संत कबीर, तुकाराम महाराज, जगनाड़े महाराज, राजभोज, गाड़गे महाराज, टुकड़ूजी महाराज, संत रवि दास, संत मीराबाई, संत चोका बेड़ा, सभी संतों की नगरी के गुणगान गाते हुए फादर हाउस में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया। दोस्तों, 11 अप्रैल ये दिन हमारे लिए खुशियों का मंत्र गीत है। ज्योतिबा फुले, क्रांति सूर्य महात्मा, नए जमाने के पहले महात्मा, भगवान बुद्ध के बाद में सत्य सोजन समाज की स्थापना करने वाले, स्त्रियों को शिक्षण का द्वार खोलने वाले, अछूतों का द्वार खोलने वाले, अनटचाबल लोगों का द्वार खोलने वाले महात्मा फुले को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब भी नमन करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे सभी तुमसर के स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों ने, खास करके बिशन सर, साकरकर मैडम, करुणा फुलेकर, भगत सर, घाघरे सर, रामटेके सर और कुछ साकरकर मैडम, साकरकर सर, इन लोगों ने कार्यान्वित स्पीच देकर महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई के कार्य को गौरवान्वित किया है। बाबा साहब का वो स्टैचू जहां राजकारण नहीं हो, जहां समाज कारण से बांधा हुआ बाबा साहब का भव्य स्टैचू फादर हाउस के प्रांगण में जचकर दिशा दिखा रहा है,
जाओ, सुशिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। मेरे साथियों, 70 साल से हमारा ये डायलॉग हम थोड़ा बदल कर जाओ, इस देश के हुक्मरान बनो और इस देश के राजकारण और धम्मकारण अपने हाथ में लो। जब तक आप राजा नहीं बनोगे तो प्रजा सुखी नहीं होगी। जब तक कार्य करने वाले लोग समाज को संगठित नहीं करेंगे, समाज का संघ नहीं बनाएंगे, तो कोई ताकत नहीं। हम एक बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, एक साथ में आते हैं और दूसरे के दिन से हम एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हैं, झगड़े करते हैं, पैसों को चंदे के लिए इस दिनों में हम कतराते हैं। हमारी जो भावना है, हमारी जो कल्पना है, हमारा जो विश्वास है, इसको कहीं तो भी हम चीन करना चाहिए। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, संघर्ष हम कर चुके हैं, झोपड़ी से स्लैब के मकान में आ चुके हैं। आज भी उन स्लैब के मकानों में जो हवा चाहिए, जो खिड़कियां चाहिए, जो फूल चाहिए, जो झाड़े के अवधे चाहिए, उसमें कई तो भी कमतरता दिखती है। और उन कमतरता को चेंज करने के लिए हमको संग बांधना आवश्यक है। जिसके संग में ताकत हो वही संग चलता है, जिसके राजकीय संग में ताकत हो वही राजकारण आगे बढ़ता है। प्यारे दोस्तों, संघ को मजबूत करो। संघ को मजबूत करके हमको उसकी दिशा चेंज करना है, परिवर्तित करना है। मैं रोज सवेरे आप लोगों से बातें करता हूँ, ये 3.5 साल से ये प्रकार शुरू है। मैं चाहता हूँ कि मेरे विचार से आप लोगों के दिल में करुणा, प्रज्ञा, शील और मैत्री जागृत हो, जिसके कारण आप बाबा साहब के 14 अप्रैल का कार्यक्रम, विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के हम बच्चे हैं, जिस बाबा साहब को विश्व रत्न कहते हैं, इन अम्बेडकर जयंती के पूजन पर हमारा हिंदुताई परिवार शीरादान, आलू पोहा वितरण और चाय और पन्ना के साथ में विविध कार्यक्रम, बुद्ध वंदना पूजा पाठ का कार्यक्रम वितरण करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं बुद्ध भूमि तुमसर, फुलेकर कैंपस फादर हाउस तुमसर, फुलेकर कैंपस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लॉ कॉलेज भंडारा, फुलेकर कैंपस 10 PR लॉ कॉलेज नागपुर, फुलेकर कैंपस हरदोली, फुलेकर कैंपस पांडराबोड़ी, आलेसूर, पिटेसूर, गुंडी टोला, हर परिसर में फिर वो बुल्ढाना का परिसर हो, इंदुताई मेमोरियल, सचिदानंद परिसर, अर्जुनराव कस्तूरी परिसर हो, इन सभी परिसर में स्वागत के साथ में बाबा साहब का 14 अप्रैल का कार्यक्रम, हमारा परिवार, हमारे सब सोपती छोरे एक कार्यक्रम को मनाने जा रहे। दोस्तों, 13 अप्रैल बुद्ध भूमि में तुमसर में साइकिल रैली और बहुत विविध कार्यक्रम रखे हैं, उन सभी कार्यक्रम को हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे में का प्रेम आगे बढ़े, हमारा प्रेम जिसको चाबी मिली उस बुद्ध भूमि को अपनी समझने पर हम कार्यान्वित हुए हैं। हमारे को स्वतंत्र मिला, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस स्वतंत्र को, तिरंगे झंडे को संभालने के लिए कैपीबद्ध नहीं हो गए। तो वो चाबी अपने पास में रखकर, जली हुई चाबी को
दूसरों को प्रणामित करें। दोस्तों, बाबा साहब किसी एक घराने का नहीं, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे सब भीम भाइयों का है, हमारे सिम भीम परिवर्तन का है। 13 अप्रैल रमाई की वो नाटक, नागपुर की शाही प्रभुत्व लिखित, प्रभाकर दुपारे लिखित 13 अप्रैल की रमाई की नाटक हम तुमसर में करने जा रहे हैं। मेरे साथियों, संघ बनाओ, संघ बनेगा तो ताकत बनेगी, संघ ही एक ताकत है। भगवान बुद्ध जब आगे चलते थे 500 भिक्कू उनके साथ चलते थे, उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। हम बहुत गाने बाबा साहब के बोलते हैं और उन गानों को प्रवृत्त करते हैं। दोस्तों, का संग मजबूत होगा तो सब बातें सुपी जाती हैं। हमारा हिंदुताई परिवार जहाँ हर जात के लोग हो, थेली हो, कुनबी हो, पवार हो, कुमटी हो, माली हो, ब्राह्मण हो, मारवाड़ी हो, कोली हो, एक ही आवाज में सुर गाते हैं। वो सुर बुद्ध का सुर है, धम्म का सुर है, संघ का सुर है। जब तक भारत को भारत नहीं कहोगे तो बुद्ध नहीं पहचाना जाएगा। बुद्ध पहचाने के लिए हमको भारत को भारत कहना चाहिए, धम्म को धम्म करना चाहिए, संघ को संघ करना चाहिए। चौदह अप्रैल को बाबा साहब का जन्म हुआ महू में। मेरे पिताजी ने, हीरा मनमोहन फुलेकर ने, बाबा साहब का 54 का वो गोंदिया का भाषण सुना, एक सावरी लाखनी गांव का आदमी बुद्धवासी हीरा मनमोहन फुलेकर, शाहूकार का लड़का, पंचम का नाती, बहुत बड़े पढ़े होशियार परिवार से आया हुआ एक, मेरे पिताजी उस जमाने के 7वीं पास थे, जिन्होंने पूरे क्षेत्र बेचकर बाबा साहब के उस भाषण को मजबूत करते हुए भंडारे जिले में जनार्दन फुलेकर नाम का पहला लड़का जो एग्रीकल्चर में पहली बार बीएससी एमए इकोनॉमिक्स हुआ, भंडारा और गोंदिया जिले की भूमि में पहला मेरे भाई का, मेरे पिताजी का, हीरामन जी फुलेकर का भाई गंगाराम फुलेकर ये हेडमास्टर थे भंडारे जिले गोंदिया जिले के पहले हेडमास्टर मेरे भाई और बहनों। और फिर मेरे पिताजी ने खुशहाल हीरामन फुलेकर जिसको तुमसर में नौकरी लगी, फिर हमारे सभी भाई, हर भाई पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियर है। हमारे एक भाई डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर एमएससी एमपीएल पीएचडी जो जेएनयू से 1980 को बिलोंगिंग करते हैं, और फिर डीएससी और वाइस चांसलर का चार्ज और बहुत सारा। फुलेकर परिवार क्वालिफिकेशन में कभी कम नहीं रहा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कलेक्टर, आईआईटी होल्डर। मेरे बच्चे भी वेल क्वालिफाइड है, ये बाबा साहब की देन है। मेरी मिसेज भी अर्जुन राव कस्तूरे की लड़की, समाज कल्याण मंत्री, 2 बार खासदार, 2 बार आमदार, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर, 1 बार अपोजिट पार्टी नेता, बाबा साहब के लाडले, उनके
कॉलेज के एकमेव स्टूडेंट पहली बार पास होने वाले अर्जुन राव कस्तूरे, इनको भी मैं आज के दिन पर नमन करता हूँ। उनके 91वें जन्मदिन पर मैं खुश हूँ। हमारे दोस्तों, मैं बोलने में हरकत नहीं करूँगा कि मेरे पिताजी ने 20 साल के पहले अपना श्वास बुद्धवासी बन गए हैं और हीरा मनमोहन फुलेकर आज फादर हाउस में और मदर हाउस में उनके दोनों के, मेरी माँ और पिताजी के स्टैचू लगे हुए हैं। 32 फुट के ऊपर मेरे पिताजी हीरा मनमोहन फुलेकर और माता पौरा हीरामन फुलेकर सबको स्कूल के लोगों को देखते हैं। जहाँ चीज पढ़ाई हो, भंडारे जिले में महाराष्ट्र में एक सुंदर स्कूल जहाँ बाबा साहब का सबसे ऊंचा स्टैचू हो, भगवान बुद्ध के 62 फुट के ऊपर में कर्णवरीत हो, उस परिसर को आते बराबर नमन करते हुए हम सीधा फादर हाउस में जाते हैं। हर दिन फादर हाउस को अच्छे की तरह हम स्वागत करते हैं। मेरे दोस्तों, फादर हाउस आपको कार्यान्वित करेगा। बुद्धि दे तू तेज दे नव चेतना विश्वास दे ये सत्य सुंदर सर्वता सत्य सुंदर सर्वता जे हम कांचा जास दे वले या बाळ जांचे हो तयांचा सोबती सापडे ना वाट जाना हो तयांचा सारती अपना करती तुझे दे साधना करती तुझे जे नित्त वास दे तू तेज दे नव चेतना विश्वास दे जान वाया दुर्बलाचे दुःख आणि वेदना जान वाया दुर्बलाचे दुःख आणि वेदना
देव प्यारा हो सदा दाऊनी संवेदना जया रुदयासिया कल दृदणाची आस दे या सब दातवाणी अर्थया जगण्यास दे सत्य सुंदर सर्वता आ जन्म त्यांच्या दास दे मार्गाणि सम्मति लाभो सदा संसंगति तिनाणि भर्तो जरि संकटे आली किति हस या बड़े नए कस या बड़े नए जे पवन दे बुद्धि दे विश्वास दे। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर ने वो अंतचावल समाज को मजबूत करके एक नवीन जागृति की। हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम बाबा साहब के वो लड़के बने जहाँ सामर्थ्यवान हो, जहाँ मजबूती हो, जहाँ मजबूती के साथ जीने का मार्ग हो, मैत्री के साथ में जीने की मार्ग हो। भगवान बुद्ध ने हमको प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री दिया है। प्रज्ञा ने नॉलेज, इफ यू हैव ए नॉलेज, हमारा नॉलेज किस तरह से जाता है, एक मेक पर की गुस्सा निकालने पर जाता है। छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन एक कार्यक्रम में हम राजकारण लाते हैं और वो राजकारण से दिशा बदलती है, धम्म की दिशा बदलती है, संघ की दिशा बदलती है। खुद दारू पीने वाले लोगों ने कार्यक्रम में हाथ डालकर नशा की दिशा बदलती है। मेरे साथियों, भाई और बहनों, बाबा साहब के पंचशील का पालन करो। वो पंचशील का पालन जो धम्म का मार्ग है। पंचशील कहता है, मैं जीव हिंसा से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं काम वासना से अनाचार से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं मध्य और इतर मोह में डालने वाले मादक वस्तु की सेवन अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या दोस्तों, आप संडे को जीव हिंसा अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करते हो? हर घर में मटन चिकन के साथ में दारू का व्यवहार, शादी में हम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि सब बोलते हुए भी धम्म की आशा करते हैं, संघ की आशा करते हैं, बुद्ध की आशा करते हैं, लेकिन हम तुरंत दारू पीकर नशा में कारणवहित हो जाते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि दारू पीने के बाद में हमारी नशा में 8 घंटे हम पागल हो जाते हैं, हमारे परिवार के साथ में हंसी के साथ में बातें करते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं रहता जो प्रज्ञा का ज्ञान हो, जो धम्म का ज्ञान हो, जो संघ का ज्ञान हो।
हम छोटी छोटी बातों में चोरी करने की बात करते हैं, क्या हम धम्म को मानते हैं? हम काम वासना किसी के लोगों को देखकर, किसी लेडीज को देखकर, किसी को देखकर हमारी आंखें काम वासना से भर जाती हैं? क्या हम बुद्ध को पालन करते हैं? क्या हम झूठ नहीं बोलते? बहुत सारी बातों में हम झूठ बोलते हैं, क्या हम बुद्ध को पालन करते हैं? हम नशा और ऐसी चीज़ों को, ड्रग्स को लेकर सेवन करते हैं, हम कैसे बुद्ध हैं? हम सिर्फ वंदना कहते हैं, वो वंदना का अर्थ ना लड़की को ना लड़के को शादी में समझता है। डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर में बुद्ध वंदना पूजा पाठ की किताबें फ्री में बांटने की 14 अप्रैल में ताकत है। हजारों साल से कहीं मेरे बौद्ध धम्म की प्रचार की लोकसभा लोकों में आतुरता होना चाहिए, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 को सिलोन में जाकर बौद्ध गाथा संग्रहित किए हैं। 24 फरवरी 1956 को बुद्ध पूजा की पाठ कैसी रहना चाहिए, बुद्ध पूजा कैसी होना चाहिए, इसलिए तथागत बुद्ध के धम्म चक्र सम्राष्ट अशोक के पूरे आगे ले जाने वाले बाबा साहब को विजयादशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 के रोज बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म चक्र अनुपर्तित किए हैं। बाबा साहब ने दिए हुए बोधिसत्व भगवान बुद्ध के मार्ग से प्रज्ञाशील करुणा भारतीय समाज को प्राप्ति हुई है। सम्राष्ट अशोक के अशोक चक्र के घटने में उनका रूप देखने को दिखता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में धर्म के बारे में संबोधित किए हुए मानवीय जीवन के बाबा साहब कहते हैं, मानवीय जीवन सुख समाधान के जाना चाहिए, इसके लिए मानव ने शुद्धिकरण, अहिंसा, समता और बंधुत्व इन बातों का अवलंबन किया है, इसके सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। गौतम बुद्ध के धर्म के मुख्य तत्व प्रसिद्ध है और यही तत्व को 6 कोटि अनुयायी को बाबा साहब ने वो दीक्षा भूमि में धम्म याचना दी है। मेरी मदर पोवरा इलेवन फुलेकर इनके निधन पर 28 सितंबर 2010 से उनके पितृत्व बुद्धवासी बुद्ध तत्व माडो पंचबाई के इसके प्रेरणा के घरों घर में बुद्ध वंदना पूजा पाठ जाने के लिए खुद बाबा साहब ने मेरे जीजाजी माननीय माडो पंचबाई जो नागपुर में बाबा साहब के खंदे कार्य करते थे और मेरे दोस्त थे, जहाँ ससाई बनते हमारे साथ में, हम एक साथ में घूमे 1980 में आनंद बुद्ध विहार में, शायद लोगों मेरे दोस्तों मेरे बुद्ध उपासक उपासिकों आपको ये बात मालूम नहीं है, मेरे संबंध दलाई लामा से भी अच्छे हैं, मेरे संबंध बीपी सिंह से अच्छे थे, कांशीराम जी से भी अच्छे थे, मेरे संबंध आठ वाले मेरे दोस्त है, से बहुत सारे लोगों से मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। इसकी सभी की आशा अर्जुन राव कस्तूर के साथ में जाती है। मेरे साथियों, जिंदगी में मैंने कभी दारू वे बेसना किसी गलत बातें को कभी अर्पित नहीं की है, इसलिए मैं बातें आपको सवेरे ठनकाता हूँ, बताता हूँ। बुद्ध वंदना पूजा पाठ की किताबें 28 सितंबर 2010 को मैंने मेरे माता, मेरी मम्मी, मेरी माँ पोवरा हीरामन फुले करके लिए मैंने हजारों किताबें दान करके देता हूँ। 14 अप्रैल के हर जगह मेरी किताबें दान करके जाती है, जहाँ बाबा साहब ने दी हुई बुद्ध वंदना पूजा पाठ, त्रिशरण, पंचशील, बुद्ध वंदना, चित्त वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, जय मंगल गाथा, लग्न विधि, आशीर्वाद गाथा, नामकरण विधि, अंत विधि दी हुई है। बुद्ध वंदना पाठ में सतत आपकी सोबत मैं आपके साथ में मनन और वाचन करता हूँ। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर और सौभाग्यवती विद्याताई फुलेकर, नगर पालिका ज्येष्ठ सभासद, एक पढ़ी लिखी लेडीज, एमएड, डीएड, बीएड, एमएड और पीएचडी करने जा रही है दोस्तों, नगर पालिका में 4 बार नगर सेविका बनाने की एक ताकत रखने वाली इंदुताई शिक्षण संस्था की अध्यक्षता, दियंग रिवॉल्यूशन पैंथर की अध्यक्षता और डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर तुम सर का पहला नगराध्यक्ष, संस्थापक डॉक्टर बाबा साहब
अंबेडकर विधि महाविद्यालय भंडारा, संस्थापक डॉक्टर बी आर लॉ कॉलेज उत्तर नागपुर, माइनॉरिटी की देश की सबसे बड़ी संस्था के साथ में मैं धम्म के साथ में जाता हूँ, संघ के साथ में जाता हूँ और हर बातें आप लोगों के साथ में कार्यान्वित करता हूँ। मेरे साथियों, मेरे बहनों भाइयों, मैं चाहता हूँ कि आपकी मैत्री मेरे साथ में हो। मैं ये चाहता हूँ बुद्ध धम्म आगे बढ़े इस तुमसर को। मैं ये चाहता हूँ कि तुमसर में दीक्षा भूमि के बाद तुमसर का नंबर लगे और या बुद्ध की कल्पना आए। आइए मेरे दोस्तों, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, मेरे साथियों, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। मेरे दोस्तों, मैं भी जिंदगी में
एमए का ये विषय में एग्रीकल्चर का स्टूडेंट और 20,000 साल पहले मुंबई विद्यापीठ का डॉक्टरेट हूँ, मुझे डिलीट भी मिलने वाली है, मैं लॉ में ग्रेजुएट हूँ, एक एडवोकेट भी हूँ, बनने जा रहा हूँ। साथियों, मेरे पास में 50 के ऊपर स्कूल कॉलेजेस है, मैं खुश हूँ, बहुत बड़ा शेतकरी हूँ। मेरी ज़मीन पिपरा में 25 एकड़ है, मेघाव में 15 एकड़ है, भंडारे में 10 एकड़ है और मेरा जंगल है 50 एकड़ तक के। मैं हर बात में खुश हूँ, गाड़ियाँ है, घर है, मकान है, सुंदर रेस्ट हाउस है, फादर होम जिसको मैं लाइब्रेरी में देना चाहता हूँ। लाइब्रेरी खोलने से कुछ नहीं होगा, वहाँ लाइब्रेरियन चाहिए, उसके लिए ग्रैंड चाहिए, उसके लिए मजबूती चाहिए। विहार बनाकर कुछ नहीं होगा, विहार में अगर अच्छा भनते नहीं हो तो वो विहार किस काम का नहीं। लाइब्रेरी हो लेकिन लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन नहीं हो तो कोई काम का नहीं हो। दोस्तों, स्कूल हो अस्ते मास्टर नहीं हो तो कोई काम का नहीं। वैसे ही धम्म का, बुद्ध का धम्म, अगर अच्छे लोगों ने चलाने वाले बातों में नहीं हो, दारू पीने वाले लोगों में हो, मटन चिकन खाने वाले लोगों में, इंजॉय करने के लोगों में हो। हमारा पिताजी गुजर जाता है, हमारी माताएं गुजर जाती है, हमारी बहन भाई गुजर जाते हैं, 3 दिन में हम मटन चिकन खाकर खुश होते हैं। हमारा जीना ही मटन चिकन का है, हमारा लाइफ वेज है नॉन वेज है, खाने में कोई हरकत नहीं, लेकिन बुद्ध के मार्ग से चलने में हरकत है। पंचशील मार्ग, अष्टांग मार्ग, दशहिता, हमारे भंतेल के लोगों ने दशहिता मानना चाहिए। 14 अप्रैल के कार्यक्रम में मेरे पिताजी, मेरे दो फादर, एक तो तथागत भगवान हमारे सबके फादर है, 62 फुट के ऊंचाई पर कलर भरा सौभाग्य, सुंदर आइए फादर हाउस में, एक सुंदर कलर के साथ में फादर हाउस आपका स्वागत करता है। दोस्तों, हर कलर के साथ में फादर हाउस आपका स्वागत करता है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा हरे नीले पीले कलर में रात को चमकती है। फादर हाउस आपके पास में है, फादर हाउस में आइए। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, वो भी कलर में चमकती है, बच्चों को दिशा देती है, हर धर्म के, हर प्रांत के सभी लोगों को संगठित करते हुए पढ़ाई देती है। हमारे लड़के लोग नासा में गए, अमेरिका गए, लंदन गए, जापान गए, कश्मीर में हैं हजारों लोग, हरियाणा कश्मीर 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे बीपीएड हो चुके, हमारे 1,000 से ज़्यादा लोग वकील हो चुके, 9 जज है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, सब कुछ है। यहाँ हर धम्म की गाथा सम्राट के अशोक के समान अच्छे विचारों के साथ में चलती है। दोस्तों, सम्राट अशोक बुद्ध धम्म के थे, उनके ग्रैंड फादर मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन समाज के थे और सम्राट अशोक ने हर धम्म की ताकत अपने घर में अपनाई। उन सभी बातों को, महात्मा फुले के विचार को, बाबा साहब के विचार को, सम्राट अशोक के विचार को, भगवान बुद्ध के विचार को, संत कबीर के विचारों को, तुकाराम के विचारों को, जगनाड़े महाराज के विचारों को, संत रविदास महाराज के विचारों को, संत राजभोज के विचारों से, गाड़गे महाराज की प्रेरणा होकर हम सुशिक्षित बनते हैं। हमें गाड़गे महाराज के विचार जानना चाहिए। मेरे दोस्तों, 16 अप्रैल खास करके 14 अप्रैल को हम हर जगह शिरादान करेंगे और शिरादान करने के बाद में हमारे आंबा टोली, हमारा कुमारी नगर, आलूपुआ, सवेरे आलूपुआ, चाय और नाश्ते के साथ में हम आपसे बातें करेंगे। दोपहर को 12 बजे हम खाने के प्रोग्राम को ऑफर कर रहे हैं आपको। आइए, हमारे फादर भगवान बुद्ध, हमारे फादर महात्मा ज्योतिबा फुले, हमारे फादर सम्राट अशोक, हमारे फादर हीरा मनमोहन फुलेकर, हमारे फादर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सभी संतों को साथ में लेते हुए, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर
और विद्याताई फुले करो, मेरा परिवार, मेरे सभी शिक्षकगण, मेरे लड़के, मेरे सभी आप्त मित्र, हम आपको बुलाने जा रहे हैं दोस्तों इस बुद्ध भूमि में। आपको 14 अप्रैल के रैली के साथ में हम एक साथ में एक संघ बनाने जा रहे हैं। हमारी ताकत क्या है, सम्राष्ट्र अशोक की ताकत क्या है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत क्या है, हमारे महात्मा फुले की ताकत क्या है, हमारे तथागत बुद्ध की ताकत क्या है, ये दिखाने जा रहे हैं। मेरे साथी हो, ये ताकत संघ की ताकत, धम्म की ताकत है, ये ताकत मैत्री की ताकत है। हमारे साथियों, नागपुर में, उत्तर नागपुर में जहाँ हमारा बीआरए लॉ कॉलेज है, बीआरए लॉ कॉलेज ने बाबा साहब भीमराव रामजी आंबेडकर लॉ कॉलेज, यहाँ अमेरिके के समान बिल्डिंग बांध के, सुंदर गार्डन बांध के, 5 एकड़ के परिसर में 16 अप्रैल से 17 बुद्ध पूर्णिमा के जयंती तक यहाँ परीक्षण शिविर देने जा रहे हैं। पहली बार उत्तर नागपुर में, पहली बार दीक्षा भूमि तक के ये रैली निकलेगी, लाख को लोगों की पहचान दी जाएगी। महीना भर 4:30 बजे धम्म यात्रा होने वाली है दोस्तों। इस धम्म यात्रा में हमारा प्रोग्राम, हमारे कुछ लोग 17 अप्रैल से 16 मई तक बुद्ध पूर्णिमा तक के हर विहारों में श्रवण दीक्षा दीक्षा भूमि को अभिवादन करके धम्म रैली की शुरुआत आम्रपाली बुद्ध विहार, करीम लेआउट, गोपाल नगर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतला, विजयानगर संघ मित्र बुद्ध विहार, गोपाल नगर, वर्षा बुद्ध विहार, गोपाल नगर, त्रिशलन बुद्ध विहार, परसोड़ी राजरत्न बुद्ध विहार, धम्बारे लेआउट, विश्व शांति बुद्ध विहार, लोखंडे नगर अम्बेडकर नगर, सुदत्त बुद्ध विहार, लोखंडे नगर, प्रद्याशील करुणा बुद्ध विहार, कामगार कॉलोनी, समाज नगर में समापन होगा। 18 तारीख को, 19 तारीख को, 20 अप्रैल को, ऐसे सभी करते करते
400 बुद्ध विहार को हम साथ में रैली के साथ में कार्यक्रम कर रहे हैं। दोस्तों आइए दोस्तों, इस सामने शिविर में आप भी अगले बार तुमसर में भंडारे में खास करके फादर हाउस में ये सामने शिविर होगा। 1 मई में रविवार सवेरे 7:30 बजे इतवारी पंच कमेटी बुद्ध विहार तेलीपुरा पेटरा इतवारी से शुरुआत होगी। लक्ष्मी शिला बुद्ध विहार भीम चौक मिर्ची बाजार इतवारी प्रबोधानंद बुद्ध विहार पुराना मेहंदी बाग मिर्ची बाजार बोधिसत्व बुद्ध विहार पुलिस स्टेशन के पीछे नवीन बद्रगण बुद्ध विहार जागृत नगर शांति नगर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बुद्ध विहार कांटापेट शांति नगर करुणा बुद्ध विहार कपरपेट शांति बुद्ध विहार शांति नगर कॉलोनी में समाप्त होगा। 2 मई 3 मई 4 मई को रामटेक पारशिवनी 5 मई को कुही और 2 मई को नरखेड़। इस तरह से ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम की आयोजन हमारे दोस्त लोग पाटिल पी एस खोबरागड़े प्रभाकर दुबारे और खास करके डॉक्टर सचिदान फुलेकर के मैदान में फुलेकर कैंपस में ली जा रही है दोस्तों। और ऐसे करते करते 7 मई 8 मई 9 मई 10 मई और 15 मई रविवार सवेरे त्रिशलम बुद्ध विहार बेजन बाग यहाँ से शुरुआत होगी। मैत्री बुद्ध विहार बिले आउट त्रिनिया बुद्ध विहार बेजन बाग बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बुद्ध विहार बेजन बाग इंदौरा बुद्ध विहार इंदौरा जेतवन बुद्ध विहार रिपब्लिकन वसाहत जरीपटका रोड संकल्प बुद्ध विहार रिपब्लिकन वसाहत गली नंबर 5 सातपुरा बुद्ध विहार रिपब्लिकन वसाहत गली नंबर 8 नमो बुद्ध विहार रिपब्लिकन वसाहत वसाहत गली नंबर 11 डॉक्टर आम्बेडकर के पुतले में इंदौरा में चौक जरीपटका से सारिपुत्र बुद्ध विहार मॉडल टाउन यहाँ समाप्त होने वाला है। बुद्ध पूर्णिमा को समापन रैली होगी 16 मई 2022 सवेरे 8 बजे धम्म शक्ति के विराट प्रदर्शन को भीम चौक जरीपटका नागपुर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास से शुरुआत होगा। मैं खुद डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर हरी झंडी दीक्षा भूमि में सवेरे 17 अप्रैल को 7 बजे हरी झंडी दिखाकर पंचशील का झंडा उतार कर हमारे परिसर में हजारों झंडे हजारों ताकत सवेरे 4:30 बजे चाय की व्यवस्था नाश्ते की व्यवस्था ये सभी व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों मैं इस काम में बिजी हूँ, मैं हर चाहता हूँ कि प्रत्येक कुटुंब से एक सामनेर बने सामनेरी बनाए। अनाथ पीड़ित परिवार को आपका स्वागत करते हुए मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरे साथियों आओ बुद्ध के मार्ग से चलो, धम्म के मार्ग से चलो, संघ के मार्ग से चलो। बुद्ध भगवान पूर्णिमा का दिन सुमेघ बुद्ध में बुद्ध की माता महामाया उनको ख्वाब में आया और फिर सुमेघ बोधिसत्व वेद बोधिसत्वा बीच सात होती वेद बोधिसत्वा बुद्धि सात होती सिद्धार्थ बुद्ध धन पूरे सुमेध बोधिसत्वा बुद्धि की सात होती शोध घेण्या
सिद्धार्थ सीध जाला आज जूझ देऊं बुद्ध प्रभुत्व जाला बोती सिद्धार्थ भूत जाले पुनवे चिरात होती वेद बोधिसत्वा बुद्धि चिसात होती पूर्णिमेला होणार कास बुद्ध मारे आन जाती सुर के घोर युद्ध भूत जाले बुद्धि चिसात होती सिद्धार्थ भूत जाले पुनवे चिरात होती वेद बोधिसत्वा बुद्धि चिसात होती जाले पाऊणी पंच पीकू देवेंद्र धक जाले सूर्य कांता बुद्धि चिसात होती बुद्धि चिसात होती। दोस्तों आप बुद्ध पूर्णिमा में एक सुंदर चमत्कार देखेंगे फादर हाउस में। आइए दोस्तों फादर हाउस फादर होम आपका हार्दिक स्वागत करता है। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय साधु 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 आपका कल्याण हो आपके कल्याण के साथ में आपका साथी डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर।